हरमाड़ा क्षेत्र में त्रिदिवसीय 11 कुंडी श्री राम महायज्ञ व कलश यात्रा का रविवार को आयोजन हुआ। यह कलश यात्रा श्री मुरली मनोहर सीताराम जी मंदिर बडाना से बैंड बाजे व डीजे के साथ रवाना हुई। कलश यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी, वहीं पुरुष हाथों में ध्वज लेकर कलश यात्रा के आगे चल रहे थे। ये कलश यात्रा श्री श्री 1008 श्री राम कुंड वाले भूमिया जी महाराज मंदिर श्री राम डूंगरी पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने जगह जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और कलश यात्रा गली मोहल्ले से होते हुए निकली। वहीं रामपुर गांव में भी 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। जानकारी के अनुसार रामकुंड भूमिया जी सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि 501 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। वहीं सोमवार से त्रिदिवसीय 11 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का भी आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम 496 वर्षों बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम व भगवान श्री राम के दिव्य एवं भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पावन अवसर पर किया जा रहा है और श्री राम महायज्ञ 24 जनवरी को भंडारे का भी आयोजन होगा। इस मौके पर मंदिर पुजारी भगवान सहाय शर्मा गुलाबचंद सैनी युवा नेता वार्ड नंबर 4 के रणजीत सैनी सहित कई समाज बंधु उपस्थित रहे। इधर रामपुरा गांव में भी कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा जमाओ माता मंदिर से रवाना होकर रामपुर गांव ठाकुर जी के मंदिर परिसर में पहुंची।